जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी में निकली 112 हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, आपकी एज लिमिट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि आईटीबीपी की तरफ से निकाली गई है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर 2024। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आप 7 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। ओके, आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इस वीडियो में दिखा भी दूंगा जहां से आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की जो वैकेंसीज हैं वो 112 हैं दोस्तों। उसके बाद में मेल के लिए दोस्तों 96 और फीमेल के लिए 16 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों यहां पर 10% का जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। 10% ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन। ओके, आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों ये है जिसपे आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पे स्केल एंड अलाउंसेस। तो दोस्तों, अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे यहां पर दिए गए हैं ये, और पे स्केल आपका 4 होगा और पे मैट्रिक्स होगी आपकी 25,500 से 81,100 रुपए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। तो एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास में डिग्री होना चाहिए विद साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, और अगर आप बीएड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है हर भर्ती के लिए, आपको पता ही होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है उसमें आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 6 साल की रिलैक्सेशन है, और आप एससी एसटी के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 8 साल का रिजर्वेशन है, मतलब रिलैक्सेशन है। ओके, अब दोस्तों 3, 6 और 8 साल क्या है मैं आपको बता दूँ कि आपकी जितनी एज है आज की डेट में या फिर एप्लीकेशन क्लोज होने की डेट में, उस एज में से आपने जितनी भी सर्विस करके आप रिटायर हुए हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी में, उसको माइनस कर दीजिए और उसमें से क्रमशः 3, 6 और 8 साल अपनी कैटेगरी के हिसाब से माइनस और कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल के बीच में होना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्स रिक्रूट्स। तो एक्स रिक्रूट्स जो कि वोटेड आउट हो चुके हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड, वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी हाइट और वेट का। तो दोस्तों 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए हाइट ली जा रही है और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, और 80 से 85 सेंटीमीटर से ना ओनली मेल्स के लिए। तो इसमें कोई एक्स सर्विसमैन हो चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, सबके लिए पीएसटी से गुजरना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये दी गई है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों जो फीस है इसमें रिलैक्सेशन है, एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, आपकी फीस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी पीईटी। तो पीईटी एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपकी जो पीईटी है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन आपके लिए पीएसटी और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के, जिसमें आपके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस बायलिंगुअल के 10 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो कि 10-10 नंबर्स के होंगे। साइकोलॉजी का आपका एक पेपर 60 नंबर होंगे जो कि 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 नंबर के। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके हो जाएंगे।
मिनिमम कट ऑफ मार्क दोस्तों जो आपकी वो 35% आपको लाना जरूरी है, चाहे आप एक्सप्रेसमैन हैं या कोई भी हैं। अगर आप 35 नंबर से कम लेकर आते हैं ईडब्ल्यूएस जनरल और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी की एप्लीकेंट, तो आप इस भर्ती में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इस भर्ती में आपके लिए जो रिटन एग्जाम आपका होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।